उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक बार फिर कार से टक्कर और घसीटने का मामला सामने आया है। यहां पर आरडीसी पुल के पास एक कार ने शख्स को पहले टक्कर मारी, इसके बाद कार के नीचे फंसा युवक कई फीट तक घसीटता हुआ चला गया। हादसे में शख्स की मौत हो गई है। वहीं पास में बर्थडे पार्टी का वीडियो बना रहे युवकों ने इस घटना का वीडियो बना लिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने खुद को बुलंदशहर के भाजपा विधायक का रिश्तेदार बताया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि पार्टी की विपक्ष को लेकर क्या सोच है और मिशन 2023 व 2024 के लिए पार्टी का क्या प्लान है। बुधवार को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 अब नजदीक है, चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी के माध्यम से 1,51,00,000 छात्र छात्राओं को प्रति छात्र 1,200 रुपए भेजे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि पिछले 6 वर्षों से क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यम शिक्षा विभाग को इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से हरपुरा गांव में बुधवार सुबह एक वृद्ध किसान का शव खेत पर बने प्रधानमंत्री आवास के बाहर चारपाई पर पड़ा मिला। मृतक के बड़े पुत्र की सूचना पर मंगलवार पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के बाद पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना किनारे स्थित राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक व बगीचों को बाढ़ के पानी से भारी नुकसान हुआ है। मेहताब बाग में पानी भर गया है, जिसे पर्यटकों के लिए बंद करना पड़ा। बेबी ताज के नाम पर मशहूर एतमदौला के नाम से पिछले हिस्से से यमुना किनारे स्थित कोठरियां डूब गई हैं। एतमदौला की पिछली दीवार को छूकर यमुना बह रही है। यहां नूरजहां की कब्र में आगे पर्यटकों को नहीं जाने दिया जा रहा है। बारादरी में जाने पर रोक है। एतमदौला के संरक्षण सहायक रवि प्रताप मिश्रा ने बताया कि अगले आदेश तक मेहताब बाग बंद रहेगा। अपना दल का मेरावादी से विधायक पल्लवी पटेल ने लखनऊ स्थित दारू साफा विधायक निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपना दल का मेरावादी पार्टी विपक्षी गठबंधन में सहयोगी दल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष सीपीएल, प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश समेत कई नेता उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक पल्लवी पटेल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पल्लवी पटेल ने कहा कि बेंगलुरु में जो इंडिया गठबंधन बना है, तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बात की गई है। 26 पार्टी हर मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि नेतृत्व कौन करेगा ये तय नहीं हुआ है, अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी। पाक से अपने आशिक के लिए जिस तरीके से महिला सीमा हैदर भारत आई हैं, उनके भारत में एंट्री मारने के साथ शक गहराता जा रहा है। जब से उन्होंने सचिन से शादी रचाई है, घर बसाया है, वो कई तरीके से सवाल को खड़ा करता है। सीमा किसी साजिश का हिस्सा है या फिर नहीं, अपनी सीमा को पार करते हुए सिर्फ अपने प्यार के लिए भारत में आ गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल नहीं लगता, इसलिए खुफिया एजेंसियों की नज़र भी उन पर बनी हुई है। बता दें कि सीमा हैदर सचिन को लेकर एटीएस की टीम जांच कर रही है। जांच अभी भी जारी है। सीमा से दूसरे दिन भी पूछताछ हो रही है। जैसे जैसे पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जासूसी का शक और गहराता जा रहा है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में जाने से रोक दिया। इसको लेकर अमिताभ ठाकुर की ओर से पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये से नाराज होकर पूर्व आईपीएस विद्यालय के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र नेता अपने समर्थकों के साथ भी बैठ गए। अमिताभ ठाकुर गत दिन मृत छात्र आशुतोष द्विवेदी के पिता से भी मिले। यूपी में मेरठ कैंट बोर्ड की टीम करीब 150 साल पुराने घर को ध्वस्त करने गई थी। इस दौरान कुछ बाहरी युवक कैंट बोर्ड की कार्रवाई में दखल देने लगे और विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान एक नवयुवक दरोगा सौराज सिंह के साथ बदसलूकी करने लगा। आवेश में आकर दरोगा ने नवयुवक को ठोकने की धमकी दी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में बीजेपी नेता की हत्या से हड़कंप मच गया है। दरअसल बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को घात लगाए बैठे अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में पड़े बूथ अध्यक्ष को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया। मृतक बूथ अध्यक्ष के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ साल पहले बीजेपी नेता के भाई की भी इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ टीवी।